वहाँ भी देखा है छवि जी के यहाँ, वहाँ भी नहीं है। सुबह तक तो था, आप कहाँ गया पता नहीं। अंदर एक गए थे देखने, पर एक बार अभी इतने सारे श्वान होने के बावजूद इन भाई साहब को कुत्ते ने नहीं काटा, और लोग ऐसे झूठा आरोप लगा देते हैं, बोले कुत्ते ने काटा कुत्ते ने काटा। काटता सिर्फ इंसान को वही कुत्ता है जो कि उसको डंडा मारता है। प्यार का व्यवहार करेंगे तो कुत्ता काटेगा नहीं, कुत्ता पप्पी देगा। समझ गए ना भाई लोग, थोड़ा तो बदलो। प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम का क्या रीज़न है? किसी को मज़ा नहीं आ रहा है कुत्ते बैठाने का। प्रकृति का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कुत्ते का। कुत्ते हट जाएंगे तो बिल्लियाँ बढ़ जाएंगी, बिल्लियाँ हट जाएंगी तो चूहे बढ़ जाएंगे। आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए, आपको कुत्ता चाहिए कि चूहा चाहिए। एक बार ये क्लियरिटी आ गई ना, तो अपने आप इन जीवों के लिए एक्सेप्टेंस चालू हो जाएगा। ये देखिए आप, ये अंदर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक जख्मी श्वान है जिसको कि मदद की ज़रूरत है, और वो यदि डॉग बाहर आएगा तभी उसका इलाज हो पाएगा। ये देखिए चुंबक के जैसे चले गए उनके पीछे पीछे, क्योंकि उनको पता है कि ये भैया हमें प्यार करते हैं। मिल गया, मिल गया वो डॉग। तो वो जो छुप के बैठा है, हमेशा बताया जाता है कि जो डॉग जख्मी होता है, जो बीमार होता है, वो छुप के कहीं कोने में बैठ जाता है। वो अपनी वेदना दुनिया को नहीं दिखाता है। और आप देखिए कितनी विषम परिस्थितियों में जाके बैठा है वो टाइल्स के पीछे। ऐसे में यदि ये लड्डू बाहर नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, तो इसका इलाज नहीं होगा, और धीरे धीरे करके मौत इसको अपने आवेश में समा लेगी। गोदी में दे दो आप, वो है क्या? हाँ वही है, बहुत सुंदर, लेकिन इतना बड़ा जख्म है उसको। भैया डंडा हटाइए तो आएगा। I think वो बिस्किट भी निकाल दो थोड़ा सा। ये ले भैया, गोदी में नहीं उठा पाओगे? वो आए पास में, जब तो पास में नहीं आ रहा है, वो छुप छुप के जा रहा है। उसको लग रहा है कि उसको कुछ परेशान करा जाएगा। मेरे को तो ऊपर चढ़ने का हुआ, नहीं तो मैं चढ़ के उसको गोदी में उठाऊंगा। अब बिस्किट दो, देखो ये लो, दो बिस्किट दो। ये नहीं है वहाँ, किसी को भी दो, वो समझ जाएंगे ना। ये है, ये ले। फेको। हाँ वो खराब हो रहा है उसको, तो एंटीबायोटिक देनी होगी। आपके पास है अभी? हाँ पर धूप है। आधी टॉक्सोमॉक्स देनी पड़ेगी उसको। तो जो आप लोगों को लगता है वो बाहर निकला है, नहीं वही निकला है बाहर। बिस्किट निकालो, बिस्किट। तो ये क्या होता है कि जो लोगों को लगता है कि ये पशु प्रेमी है, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो इंसान है जो इतनी सेवा कर रहा है, उसका दिल समझिए आप। क्या आप ऐसे नागरिक चाहते हैं जो कि पशु के प्रति प्रेम करें, या आप ऐसे नागरिक चाहते हैं जो पशु से ग्रहण है? वही है। वो रहा कार के नीचे।
वो भैया इधर इधर पहले तो दरवाजा बंद कर लो, इससे नीचे से निकल जाएगा। पहले बिस्किट पे, हाँ पहले इसको बिस्किट देके विश्वास जीता जा रहा है। उसके बाद में देखना दो तीन जनों को मिलके काम करना पड़ेगा। अब यहीं पे पकड़ लीजिए दरवाजे के इधर ही, ये यहाँ पर ही रुकी। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी वेरी गुड। लो लो लो, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके इलाज के लिए पूरी मेहनत हो रही है और उसे डर लग रहा है। पानी डाल दीजिए थोड़ा सा। तो स्प्रे लेकर आऊं क्या? स्प्रे नहीं है। हाँ तो स्प्रे थोड़ा पानी उधर उधर से पानी। चेताली झुक के टांग खींचनी पड़ेगी पीछे से। भैया इधर आइए, प्लीज इसको पकड़वा दीजिए, दवाई देनी है, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। इसको लगी हुई है, दो तीन जन लगेंगे, वो भाग रहा है। शीतल इधर आया, बाहर आया। ये भैया 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 तो ये जो दया भाव है, जो सेवा का भाव है, ये हर नागरिक में हमारे इंदौर शहर के। इनसे भैया से बोला कि मदद कर दीजिए, थोड़ा उसको दवाई देनी है। वो अपना काम छोड़ के मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं। और ये जो भाव है, ये हमें देश के प्रत्येक नागरिक में डालना है, क्योंकि आज हम इंसान की योनि में पैदा हुए हैं। हो सकता है अगली योनि हमें पकड़ी कार के नीचे। बहुत मुश्किल है। बेस्ट है यहाँ पर। उधर निकला एटलीस्ट उसको स्प्रे लग जाए। एंटीबायोटिक भी अभी देगा। अब एंटीबायोटिक भी दे दो। एंटीबायोटिक मैं लाती हूँ कोई चीज में, पकड़े रहो।